अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है चैप्टर नंबर 7 एंड वेरिएबल्स की मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल। ये वो एग्जांपल है जो हर किस्म की यानी जो भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें आती है। बहुत ही टिपिकल एग्जांपल है, बहुत ही इजी मेथड से इंशाल्लाह कॉन्सेप्ट से आपको समझाएंगे कि कैसे इसे सॉल्व आउट करते हैं। एग्जाम्पल आपको 7 में 6 ये गिवन है जो हमने इसका ऐड दिया हुआ है। ये प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, ज्वाइंट भी फाइंड करेंगे, मार्जिनल, कंडीशनल एंड इंडिपेंडेंट, ये सारा वेरियंस ये सब हम इंशाल्लाह फाइंड आउट करेंगे। तो वीडियो का एंड तक आप लास्टली देखिएगा ताकि एग्जांपल के बारे में आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो सकें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है एग्जाम्पल 6 के 7 में 6 के अंदर एन अर्न कंटेन, अर्न मीन होता है बैग कह सकते हैं, अर्न मीन्स बैग, अर्न का मतलब सिंपल बात करें अर्न मीन्स होता है बैग, यानी एक बैग है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। एक बैग के अंदर मौजूद है ब्लैक 3, रेड 2 एंड ग्रीन बॉल्स 3 है, ठीक है। ब्लैक हमारे पास है, ये चैप्टर में 6 की तरह मैच करता है, ब्लैक 3 है, रेड 2 है, ठीक है, और ग्रीन हमें जो गिवन है वो गिवन है 3, ठीक हो गया। समझ आ गया, ब्लैक हमें जो गिवन था वो 3 था, रेड हमें गिवन है वो 2 है, ग्रीन हमें जो गिवन है वो 3 है। इसे ऐसे लिखने ऐसे ने बात एक की, यानी बी मीन्स आपके पास ब्लैक जो है वो 3 है, ठीक है, रेड आपके पास कितने हैं 2 है, और जी मीन्स ग्रीन आपके पास जो गिवन है, ग्रीन आपके पास जो गिवन है वो कितने गिवन है 3 गिवन है। ये बात क्लियर होगी। टोटल फाइंड आउट करते हैं, 3, 3, 6, 7, 8, अब टोटल आपके पास आ गया है 8। यहाँ तो बात यानी एन आपके पास जो आ गया वो आ गया 8। नेक्स्ट आगे मूव करते हैं, नेक्स्ट में कह रहा है एंड 2 बॉल्स ऑल सेलेक्टेड, सेलेक्टेड बॉल्स कितने हैं, एंड बताया आठ जो होता है वो होता है सेलेक्टेड, आठ जो होता है वो क्या होता है सेलेक्टेड, सेलेक्टेड बॉल्स आपके पास 2 है। तो ये आपको याद ही होगा नंबर इन सैंपल स्पेस होती है एन सी आर, प्योर चैप्टर में 6 की तरह प्रोबेबिलिटी की तरह जा रहा है। एन आपके पास कितना है 8 और आर आपके पास 2 है, ये हो जाएगा 8C2। 8C2 का अगर हम कैरेक्टर से फाइंड आउट करें, चलिए फाइंड आउट कर लेता हूँ मैं 8C2, तो आपके पास आंसर आता है 28। यहाँ पर आंसर आ गया, मैंने यहाँ लिख दिया 28, इज दैट क्लियर। नेक्स्ट आगे मूव करते हैं, आगे क्या रिक्वायरमेंट कह रहे हैं, इफ़ एक्स इज़ द नंबर ऑफ ब्लैक हेड्स एंड वाई इज़ द नंबर ऑफ रेड बॉल्स, ठीक है, एक्स आपके पास है नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स, एक्स क्या हमें कहना चाह रहा है वो है नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स, नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स। आपको याद ही है मैंने कहा था एक्स लिखते वही है जो लिखा होता है, नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स, देखिए ब्लैक बॉल्स कौन सी हैं 3 हैं, लिखा यही एक्स यही लिखा हुआ नंबर ऑफ ब्लैक बॉल, लेकिन एक्स डाटा कौन सा ले जाता है हमेशा डिस्क्रीट दिया, एक्स डाटा हमेशा कौन सा लेते हैं, एक्स डाटा जो भी हम लेते हैं वो हमेशा डिस्क्रीट लिया जाता है, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के तौर पर लिया जाता है। अब सेलेक्टेड यानी सेलेक्टेड के मुताबिक किसके मुताबिक लिया जाता है, सेलेक्टेड, सेलेक्टेड कितने हैं 2, तो मैं यार के लिखा 0 0, शुरू होता है डिस्क्रीट डाटा 0 1 2। तो याद रखिएगा जब भी हमारे पास ये लिखा हो ना, जब भी हमने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करनी हो, ज्वाइंट देखें यहाँ पर देखा जाए तो हमने क्या फाइंड करनी है, ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, मैंने कहा था जब ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी लिखा हो, कंडीशनल वगैरह मार्जिन वगैरह लिखा हो, तो याद रखें किसके मुताबिक चलते हैं, सेलेक्टेड के मुताबिक चला जाता है। चूँकि यहाँ पर देखा जाए तो नंबर ऑफ ब्लैक बोर्ड लिखे हैं, लेकिन एक्स डाटा हमेशा क्यों से लिया जाता है, सेलेक्टिवली, सेलेक्टिव क्योंकि 2 है तो मैंने लिख दिया x012, इज दैट क्लियर। लिखना आपने यही है ब्लैक बोर्ड 3 है, लेकिन आपने लिखना डिस्क्रीट डाटा है हमेशा x012, इज दैट क्लियर। वाई की बात करते हैं, वाई इज़ द नंबर ऑफ रेड बॉल्स, वाई जो है वो नंबर ऑफ रेड बॉल्स, रेड बॉल वैसे कितने हैं देखे जाए, रेड बॉल्स वैसे 2 है, लेकिन डिस्क्रीट डाटा चूँकि सेलेक्टेड जो है कितना है 2 है, तो मैं यहाँ लिखूंगा y012, इज दैट क्लियर। तो हमेशा याद रखने जब भी पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करनी हो तो एक्स डाटा लिखते हैं वही है जो लिखा हुआ है, लेकिन हमेशा एक्स डाटा जो भी लेते हैं वो हमेशा सेलेक्टेड के अकॉर्डिंग लिया जाता है, किसके अकॉर्डिंग लिया जाता है, जिसकी डाटा हमेशा सेलेक्टेड के अकॉर्डिंग, सेलेक्टिंग जो कि 2 है तो ये भी 012, ये भी 012, इज दैट क्लियर। नेक्स्ट आगे मूव करते हैं, अब हम फाइंड आउट करने लगे, पहले हम फाइंड आउट करेंगे नंबर 1, पहले हम फाइंड करेंगे ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे f(x,y), इसके बाद फाइंड करेंगे हम मार्जिनल फंक्शन g(x,y). तो पहला काम करने लगे हैं, फर्स्ट एंड थर्ड हम करने लगे हैं, पहला काम वही ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे और नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे मार्जिनल, नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे इंशाल्लाह मार्जिनल फंक्शंस।
तो ये सिंपल है जो मशीन आप शुरू करने लगे हैं डाटा, या हमें टेबल बनाया हुआ है, इस टेबल को आपने फॉलो करना है, सिंपल ट्रिक है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। गौर से देखिएगा, ये यही टेबल समझने वाला है। अब एक्स की बात करते हैं, गौर से देखिएगा, एक्स की बात करते हैं तो एक्स आपके पास जो है वो है नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स, ऐसा ही है। ब्लैक बॉल्स कितने, सबसे पहले बात करें एक ब्लैक बॉल्स कितने हैं, 3 हैं। ये सर मेरे को हमने सोल्व भी किया हुआ है, आप देख सकते हैं नैनोमीटर के जो मेडिकल किए हैं उसके अंदर, उसकी समझ आ जाएगी आपको। ब्लैक बॉल्स चूँकि 3 है तो यहाँ आ जाएगा आपके पास 3C0, चूँकि यहाँ 0 मौजूद है, एक्स की बात हो रही है तो मैंने यहाँ लिख दिया 0। यहाँ मल्टीप्लाई है, अब बारी है वाई, पहले एक्स की बारी अब वाई की बारी। वाई क्या है, वाई जो है वो नंबर ऑफ रेड बॉल्स है, रेड बॉल्स आपके पास कितने हैं 2, यहाँ लिख देना आपने 2 लिख देना है सी, क्योंकि यहाँ वाई में 0 है तो आपने लिख दिया यहाँ पर 0। इसके बाद मल्टीप्लाई, यहाँ मैंने कहा था प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होती है अरेंजमेंट ऑफ वैल्यू अगेंस्ट ईच पॉसिबल वैल्यू डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। हम जो भी वैल्यू लिखते हैं, दो वैल्यू तो इसकी सेम लिखी, तीसरी वैल्यू जो भी लिखते हैं वो क्या लिखते हैं, ऑपोजिट लिखा है, जो दोनों का क्या हो, ऑपोजिट हो। अब ये देखें गौर से, पहली वैल्यू जो थी वो रेड ब्लैक के हिसाब से, दूसरी थी रेड के हिसाब से। अब गौर से देखिएगा, ब्लैक और रेड का ऑपोजिट क्या है, ग्रीन। गौर से देखिए ब्लैक और रेड का ऑपोजिट क्या होता है, ग्रीन। चूँकि ग्रीन चूँकि 3 है तो ये 3 इसका क्या है, ऑपोजिट है, तो यहाँ आपने लिख देना है ग्रीन के हिसाब से 3C। ड्रॉन कितने थे आपके पास, ड्रॉन सेलेक्टेड थे 2, यहाँ लिख देना आपने 2। इज दैट क्लियर, इसका क्या ऑपोजिशन आ गई। डिवाइड्स आपने लिख देना है वही जो टोटल है, टोटल आपके पास क्या आया था 8C2, यहाँ आपने लिख देना है 8C2। इस डायरेक्शन में सिंप्लीफाई करें, आपको याद ही होगा कि NC0 के बराबर होता है, NC0 के बराबर होता है 1 के बराबर होता है, ऐसा ही है। और NCN किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो इसकी फॉलो करना आपने, ये देखे ज़रा, 3C0 1 के बराबर, 2C0 1 के बराबर, 3C2 की बात की जाए तो 3C2 अगर हम सोल्व आउट करें, चलें सोल्व कर देते हैं, 3C2 अगर हम सोल्व आउट करने का आंसर आता है 3, यहाँ लिख दिया हमने 3 लिख दिया। और 8C2 हमने सोल्व आउट किया था अभी रिसेंटली, क्या आया था 28, यहाँ लिख दिया हमने 28। तो आपने जो भी इसके कैलकुलेशन जो वैल्यू लिखनी है, कैसे लिखनी है, फ्रैक्शन डेसिमल में नहीं लिखनी, हमेशा याद रखें किसमें वैल्यू लिखनी है आपने, इसमें 3/20 यानी फ्रैक्शन में आंसर लिखना है, डेसिमल में नहीं लिखना, ये बात क्लियर है। पहले आपने एक्स के हिसाब से किया, फिर वाई, दोनों का ऑपोजिट ले लिया, इसके बाद डिवाइड डन हो गया, क्लियर है। क्योंकि आप प्रोबेबिलिटी डायरेक्शन आपको बताई हुई, दोबारा बता देता हूँ, एन अरेंजमेंट ऑफ प्रोबेबिलिटीज अगेंस्ट ईच पॉसिबल वैल्यू ऑफ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। तो समझ आई, पहली वैल्यूज हमेशा सेम लिखते हैं, अगली वैल्यू जो भी लिखते हैं उसकी ऑपोजिट लिखते हैं, अगर आपके पास 1 है तो दूसरा ऑपोजिट, चूंकि हमारे पास 2 थे तो तीसरा ऑपोजिट आपके पास ये आ गया। इज दैट क्लियर, नेक्स्ट वर्किंग करनी है, आप आगे देखते हैं। एक्स आपको बताया था वही, एक्स आपके पास वही आपको बताया था मैंने, ये ब्लैक बॉल्स हैं, ब्लैक बॉल 3 होते हैं, यहाँ आप लिख देना आपने सिंपल 3C, ठीक है 3C। आप ये चूँकि ये 0 लिखा है, यहाँ 0 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं वाई, आपके पास वही रेड बॉल्स हैं, रेड बॉल्स 2 हैं, 2C, चूँकि यहाँ लिखें, यहाँ 0 लिखा था एक्स के हिसाब से, मैंने यहाँ 0 लिखा, अब वाई के हिसाब से यहाँ 1 लिखा है तो यहाँ क्या लिखूंगा, 1 लिखो, समझ आ गई बात। क्योंकि एक्स के हिसाब से 0 था, मैंने 0 लिख दिया, वाई के हिसाब से 1 है, मैंने 1 लिख दिया। नेक्स्ट वर्किंग 3C एज इट इज आ जाएगा। अब एक टेक्निक बतानी है, अब देखिए ये 2 है, यहाँ क्या आ जाएगा 1, ये आपको पहले ट्रिक बताई हुई है कि पहले पहली वैल्यू बड़ी होती है, इसकी वैल्यू कम होती चली जाती है। देखिए ये 2 था, अब ये हो जाएगा लास्ट वाली 1 हो जाएगी। डिवाइड्स आपने करना है यही 8C2 से, इसे सोल्व आउट करता हूँ, 3C0 1, 2C1 2, 3C1 3, ठीक है। क्योंकि आपको पहले बताया हुआ है, आपको याद ही होगा NC1 किसके बराबर होता है, N के बराबर होता है, यानी अगर 3C1 करूँगा किसके बराबर होगा, 3 के बराबर होगा, मतलब ये हुआ 2C1 2, 3C1 3, 2 3 6, ये देगा 6/20, इसकी वैल्यू भी हमने फाइंड आउट कर ली है। नेक्स्ट अब करते हैं मूव, नेक्स्ट देखें, ये देखें यहाँ पर आ जाएगा 3C, चूँकि यहाँ 0 है, यहाँ 0 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय, यहाँ भी ये देखें 2 है, यहाँ भी 2 आ जाएगा 2C। अब देखें एक्स के लिए 0 था, यहाँ 0 आ गया, अब वाई के लिए यहाँ पर क्या है, 2 है, तो यहाँ क्या आएगा, 2 आ जाएगा। इस डायरेक्ट ये वाई के लिए यहाँ 2 है तो यहाँ 2 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 3C एज इट इज। अब देखें पहले 2 आया, फिर 1 आया, यहाँ क्या आएगा फिर बताओ, 0 आएगा, क्योंकि कम होता जाता है, 0 से पीछे कोई वैल्यू है नहीं, क्योंकि 0, 1, 2 3 वैल्यू, 3 वैल्यू के हिसाब चलेंगे, तो आपको आ जाएगा 8C2, 3C0 1, 2C2 1,
3301 यहाँ जाएगा 1/28 इज दैट क्लियर। नेक्स्ट नेक्स्ट हम देखते हैं आप 10 के हिसाब से देख लेते हैं, ये भी वही वर्किंग है सिंपल, कोई मुश्किल नहीं। 3C चूँकि यहाँ 1 लिखा हुआ है यहाँ 1 आ जाएगा सिंपल। 2C चूँकि 0 लिखा है यहाँ पर यहाँ 0 आ जाएगा, इनका ऑपोजिट वही 3C। या अब ये देखें 2 है यहाँ क्या आ जाएगा यहाँ 1 हो जाएगा, डिवाइड वही वर्किंग सेम टू सेम 8C2 सोल्व करना क्या आएगा 3C1 3 2C01 और ये 3C1 3 3C9 9/28 ये भी 3 3C9 हो जाएगा 9/28 ये भी बात क्लियर होगी। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट हम वर्किंग करना आपने 3C। अब देखें यहाँ 1 है तो यहाँ भी 1 आ जाएगा, अब वहाँ एक्स आ जाएगा 2C क्योंकि यहाँ बाय के हिसाब से 1 है यहाँ 1 आ जाएगा और 3C 1 है यहाँ 3 है 3C ये 1 है यहाँ क्या हो जाएगा 0 से पीछे वैल्यू कोई है नहीं तो ये आ जाएगा स्लैश, कोई वैल्यू इसके मौजूद नहीं है, ये बात क्लियर है। नेक्स्ट आपने करना है 8C2 चूँकि 0, 1, 2 वैल्यूज़ हैं, 0 से पीछे होकर वैल्यू है नहीं क्योंकि 0 वैल्यूज हमारे सिर्फ 0, 1, 2 है, ये भी 0, 1, 2 है, 0 से पीछे की वैल्यू है नहीं, ये आप स्लैश लिख देखिए क्योंकि 0 से पीछे वाली वैल्यूज है नहीं हमारे पास। नेक्स्ट आपने करना है 3C1 3 2C1 2 और 3C01 होता है तो 3 2 6 आ जाएगा 6/28 आ जाएगा आपके पास, इज दैट क्लियर। नेक्स्ट आगे मूव करते हैं अब वही वर्किंग करनी जैसे मैंने कहा था 3C। आप देखिए यहाँ 1 सॉरी यहाँ पर 2 लिखा है तो यहाँ 2 आ जाएगा, नेक्स्ट 2C यहाँ 0 लिखा है तो यहाँ वाई के हिसाब से 0 आ जाएगा। नेक्स्ट आ जाएगा देखिए 3C1 लिखा है यहाँ क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा ओवर 8C और 0 से पीछे की वैल्यू होती नहीं ये स्लैश आ जाएगा, ये भी क्या आ जाएगा यहाँ पर भी स्लैश आ जाएगा, इज दैट क्लियर। यानी यहाँ कोई वैल्यू आ नहीं सकती 8C आपके पास 2 सोल्डर करते हैं 3C2 सोल्व कर मैंने कहा था 3 आता है 3 0 1 ये 1 होता है तो यहाँ आ जाएगा आपके पास 3/28 ये बात क्लियर होगी। नेक्स्ट नेक्स्ट आपको ये पता होगा HOY और GOF(X) होते हैं, जॉइंट वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली है। नेक्स्ट वर्किंग होती है मार्जिनल फंक्शंस, तो GOF(X) HOY मार्जिनल फंक्शन कैसे फाइंड आउट होते हैं आपको पता है, ये होता है G(0) ये होता है G(1) इस हिसाब से, ये होता है G(2) इस वैल्यू के हिसाब से, इस हिसाब से ये होता है H(0) इस वैल्यू के हिसाब से, ये होता है H(1) ये इस वैल्यू के हिसाब से ये होता है H(2) समझे, इस वैल्यू के हिसाब से ये होता है H(2). अब ये फाइंड आउट करने हैं ये कैसे फाइंड आउट आपको पता ही होगा, मैंने कहा था इन वैल्यूज को करते हैं ऐड अप कर देते हैं, जैसे 6 + 3 7 8 9 9 + 1 10/28 यहाँ आ जाएगा आपके पास 10/28 समझ आ गई। ये होते हैं मार्जिनल फंक्शन GOF(X) HOY मार्जिनल फंक्शन होते हैं, इन सबको ऐड कर दीजिए नीचे वाला LCM एज इज आ जाएगा ठीक है। नेक्स्ट वर्किंग देते हैं 9 6 10 15 15/28 आ जाएगा, सिंपल चीज़ ठीक है। नेक्स्ट लास्ट देखते हैं 3/28 क्योंकि यहाँ वैल्यू नहीं, यहाँ भी वैल्यू नहीं है तो 3/28 एज इज आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 3/28 ये बात क्लियर हो गई है। अब हम पहले रो वाइज हमने एडअप किया है, इस हम ऐड करेंगे कॉलम वाइज। अब गौर से देखिए ये 3 है और ये 9 है, 9 3 आपके पास आ जाएंगे 10 11 12 3 15 ये आ जाएगा 15/28 इज दैट क्लियर। नेक्स्ट अगर मूव करें ये देखिए 6 है 6 + 6 12 हो जाएगा, यानी आपके पास आ जाएगा यहाँ पर 12/28 इज दैट क्लियर। नेक्स्ट अगर मूव करें यहाँ कोई वैल्यूज है जस्ट वही वैल्यू मौजूद है तो आपके पास आ जाएगा H(2) 1/28 जैसे कि हमने GOF(X) HOY मार्जिनल फंक्शन हमने फाइंड आउट कर दिया, यानी हम कह सकते हैं नेक्स्ट आगे यानी हमारे पास जॉइंट प्रोबेबिलिटी जो थी, जॉइंट प्रोबेबिलिटी जो हमने फाइंड आउट करनी थी वो हमने फाइंड कर ली है। नंबर टू मार्जिनल फंक्शंस भी हमने फाइंड कर ली, वही GOF(X) भी हमने फाइंड आउट कर लिया, HOY भी फाइंड कर लिया, ये दो वर्किंग हमारे पास हो गए, GOF(X) HOY हमने फाइंड आउट कर लिया, मार्जिनल फंक्शन भी हो गया। नेक्स्ट आगे मूव करते हैं, नेक्स्ट में कह रहा है आपने फाइंड करनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ x + y < 1। सेकेंड स्टेप हमें फाइंड आउट कर लेंगे वो है प्रोबेबिलिटी ऑफ x + y < 1। ये हमने जो फाइंड किया है ये पहला स्टेप है और ये जो फाइंड किया है ये थर्ड स्टेप था ठीक है। सेकेंड स्टेप में कहना चाह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ x + y < 1, तो सिंपल चीज़ नहीं है। वन अब देखिए 1 के बराबर यानी 1 और 1 से पीछे 0 क्योंकि वैल्यू 0, 1 है ना, तो मतलब ये किसके बराबर होगा f(0, 0) + f(0, 1) + f(1, 0 इज दैट क्लियर, सिंपल चीज़ थी। तो ये देखें ना 0 या 1 होगी वैल्यू, 1 के बराबर या 1 से कम तो f(0, 0) लिख दिया, f(0, 1) लिख दिया 1, 0 ये वैल्यू आपने यहाँ टेबल से निकाल ली है या आपको पहले ट्रिक बताई हुई है ये हिसाब से फंक्शन, ये कौन सा फंक्शन होता है असल में f(0, 0) होता है, ये पहले बताया हुआ है, ये होता है f(0, 1) और ये होता है f(0, 2)
समझ आ गई। नेक्स्ट ये वाली जो फंक्शन, ये हो रहा है F10 के हिसाब से, ये गिवन है F11 के हिसाब से, समझ आ गई। नेक्स्ट है ये F12, ये 12 तो हमारे पास है नहीं, लिखने की जरूरत नहीं है, ये भी लिखने की जरूरत, ये लिख लेते हैं चले F20, ये फंक्शन है F20, समझ आ गई। तो आपने बस क्या करना है, F00 हमारे पास ये क्या गिवन है 3/28, ये आपने लिख देना यहाँ पर 3/28 लिख देना है, ठीक है। F01 की बात करें, F01 हमारे पास क्या है 6/28, यहाँ लिख देना आपने 6/28 लिख देना है। प्लस F10 की बात करें, F10 हमारे पास कितना है, F10 ये है 9/28, ये आपने लिख देना 9/28, इसे आपने सिंप्लीफाई करना आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं, नेक्स्ट हमारे पास कहना चाह रहा है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ और एक्स इज इक्वल टू 1 और पहली ऑफ एक्स इक्वल, इधर हम इकट्ठे कर लेते हैं 4 5 इकट्ठे करने लगे हैं, 4 एंड 5 हम इकट्ठे लगने करने लगे हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ये भी मेरे घर में सोल्व आउट किया है। अब आपको ट्रिक बतानी है बस कैसे सोल्व करना है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की बात करें तो इसमें आपको इसमें यहाँ पर फंक्शन जो गिवन है प्रोबेबिलिटी ऑफ या एक्स डिवाइड्स 1 गिवन है, इसमें मैं यू भी लिख सकता हूँ, जल्दी बात कीजिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल एक्स इक्वल टू स्मॉल एक्स डिवाइड्स आपके पास जाएगा कैपिटल वाई इज इक्वल टू 1, यानी इसको हम एक्स डिवाइड 1 को सिंपल फॉर्म में यू भी लिख सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की तरह, पी लिख लें या एफ लिख लें, बात है कि चले मैं एफ में लिख देता हूँ ताकि याद रहेगा आपको, एफ में चले लिख देता हूँ, ठीक है। ये पी में लिखा हुआ ना, मैं एफ में लिख देता हूँ, एफ में लिख लें पी में लिख लें, बात है कि फंडामेंटल दोनों प्रोबेबिलिटीज ही होती हैं, ठीक है। कैपिटल एक्स स्मॉल एक्स कर दिया, इसमें लिख दिया कैपिटल वाई इज इक्वल टू 1 कर दिया, करना आपने कैसे, ये आपने करना है फाइंड आउट करना है, तो सिंपल ट्रिक था, मुश्किल नहीं है। आपने बस क्या करना है, क्योंकि एपिटल एक्स अपनी जगह ही ये देखें इज इक्वल टू एक्स स्मॉल एक्स का 0 आ जाएगा, वाई इज इक्वल टू 1 फिक्स एज इट इज, करना कैसे ये बराबर होता है आपको बताया, F01 आ जाएगा यहाँ पर डिवाइड आ जाएगा गिवन आफ्टर कंडीशन वाई के हिसाब से H1 आ जाएगा, कंडीशन वैल्यू का फॉर्मूला आप देख सकते हैं। नेक्स्ट आपने करना है ये 0 है यहाँ 1 आ जाएगा, वाई इज इक्वल टू 1 एज इट इज, यहाँ आ जाएगा आपके पास F11 आ जाएगा ओवर H1 आ जाएगा गिवन आफ्टर कंडीशन। लास्ट आपने फाइंड करनी है वैल्टी, यहाँ लिखने एफ लिखने बात एक ही है, कैपिटल एक्स इक्वल टू 0 1 2 आ जाएगा, वाई इक्वल टू 1 ये भी आप लिख देना F21 ओवर H1, ठीक है। F01 F11 की वैल्यू टेबल के अंदर गिवन है, ये आपने फाइंड ये वाली वैल्यू लिख देनी है, और बारी आई H1 की, H1 आपके पास मौजूद है, ये H1 मुझे 12/28 ये आपने यहाँ लगा देना है, कंडीशन वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, कंडीशन वैल्यू भी फाइंड आउट हो जाएगी, और आप ये एक्स इक्वल 0 वाई इक्वल 1 ये भी फाइंड आउट हो जाएगा। सिक्स पार्ट देखते हैं, आर एक्स एंड वाई इंडिपेंडेंट, जल्दी से नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है 6, आर एक्स एंड वाई आर इंडिपेंडेंट, एक्स एंड वाई आर इंडिपेंडेंट, जब ये चेक करना है तो सिंपल आपको याद ही है एक्स एंड वाई इंडिपेंडेंट कब होते हैं, इफ़ एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू जी ओफ एक्स मल्टीप्लाई बाय एच ऑफ वाई, यानी एफ एक्स अगर बराबर होना जी ओफ एच में तो एक्स एंड वाई इंडिपेंडेंट होते हैं। तो आप इसमें यू भी लिख सकता हूँ F00 ले लिया चले इक्वल टू G0 मल्टीप्लाई बाय H0, F00 भी देखते हैं फंक्शन क्या है हमारे पास, F00 जो हमारे फाइंड आउट किया है हमारे पास क्या वैल्यू है 3/28, ऐसा ही है, ये आपने ले लिया यहाँ पर 3/28। जी ऑफ जीरो की बात करते हैं, जी ऑफ जीरो हमने जो फाइंड आउट किया है, जी ऑफ जीरो हमारे पास था 10/28, यहाँ लिख देंगे हम 10/28 लिख दिया, मतलब एच ऑफ जीरो की बात करें वो क्या है, एच ऑफ जीरो हमारे पास आया 15/28, ये आपके पास आया 15/28, ठीक है। अब 3/28 तो एजरीज रहने देते हैं, 10 मल्टीप्लाई बाय 15 हम चेक कर लेते हैं, 10 मल्टीप्लाई बाय 15 आपके पास क्या है आंसर, 150 आपके पास आंसर आया, या हम लिख दिया 150/28 को 28 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 28 मल्टीप्लाई बाय 28 आपके पास आंसर आया 784, ठीक है, यहाँ लिख दिया हमने 784। अब गोश्त देखो, ये दोनों देखा जाए तो बराबर नहीं है, मैंने कहा था ये दोनों अगर एफ एक्स यू एस अगर बराबर हो, ये दोनों वैल्यूज बराबर हो तो क्या होते हैं, अगर बराबर हो तो क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट, ऐसा ही है, अगर बराबर ना हो तो नॉट इंडिपेंडेंट, क्योंकि ये बराबर नहीं है तो क्या आया हुआ, एक्स एंड वाई हम कह सकते हैं आर नॉट इंडिपेंडेंट, पता लग गया एक्स एंड वाई हमें इंडिपेंडेंट नहीं है, ऐसा ही है। अब हम एक नोट बताने लगा हूँ, नेक्स्ट हमने वैसे ये भी फाइंड करना है कोरिलेशन कोएफिशिएंट भी फाइंड करना है, इंडिपेंडेंस हमने चेक कर ली ना, वैसे इस तरह आप 0 1 भी ले सकते हैं, 0 2 भी ले सकते हैं मुस्लिम डाटा के हिसाब से, ठीक है। नेक्स्ट आप देखते हैं वेरियंस भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन कोरिलेशन कोएफिशिएंट फाइंड करना है और कोवेरियंस, इसके लिए टेक्निक बता देता हूँ, एक नोट आपने याद रखना है बस, इफ वी नो डैट अगर हमें पता लग जाए डैट एक्स एंड वाई आर इंडिपेंडेंट,
अगर ऐसा वो क्वेश्चन आ जाए कि हमें पता लग जाए कि एक्स एंड वाई क्या है, इंडिपेंडेंट है, देन वी डू नॉट फाइंड कोवेरियंस, कोवेरियंस हम फाइंड आउट नहीं करते हैं, एंड कोलोरेशन क्वेश्चन, और कोलोरेशन क्वेश्चन भी हम फाइंड आउट नहीं करते हैं। समझ आ गई बात? क्यों? बिकॉज दे आर ज़ीरो, चूँकि कोलेशन क्वेश्चन क्या होते हैं, जीरो। तो मिशन अगर एक्स और वाई इंडिपेंडेंट आए तो आपने कोवेरियंस कोलेशन क्वेश्चन फाइंड नहीं करना। लेकिन यहाँ देखा जाए तो एक्स एंड वाई जो है इंडिपेंडेंट नहीं है, ठीक है, एक्स एंड वाई जो है इंडिपेंडेंट, यहाँ पर इंडिपेंडेंट है तो आपने क्या कहते हैं फाइंड नहीं करना, चूँकि यहाँ पर इंडिपेंडेंट नहीं है, इंडिपेंडेंट नहीं है तो मतलब इसके अंदर आपने कोवेरियंस भी फाइंड आउट करना है और कोलेशन क्वेश्चन भी आपने फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो सिंपल तरीके कोवेरियंस साहब की बात करें, कोवेरियंस आपको याद ही हो, कोवेरियंस एक्स पे होता है एक्सपेक्टेशन ऑफ, मैं इसका फॉर्मूला बताया था मैंने, एक्स माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, वाई माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई, ठीक है। ये हो जाएगा एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स वाई माइनस, इसे जो लिख सकते हैं एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई। एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स वाई की बात करें, ये आपको पहले बताया हुआ है, दो वेरिएबल्स हैं तो यहाँ दो सम आ जाएंगे, यहाँ आ जाएगा एक्स वाई, ठीक है, वही एफ ऑफ एक्स वाई, ये भी आपने वैसे खुद सोल्व कर देना है। एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स वाई जो सोल्व करना है वही आपने पहले जीरो जीरो ले लेनी है, जीरो मल्टीप्लाई बाय जीरो, एफ ब्रैकेट जीरो जीरो, फिर जीरो वन, फिर जीरो वन आपने लेना है, इस तरह सोल्व करते जाना एज इट इज़, ठीक है, जीरो वन जीरो टू, जो भी टेबल की डाटा वैल्यू लिखी है हिसाब से कर देना, ठीक है। कोलेशन के ऑप्शन की बात करें, वो रोज इक्वल होता है कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई डिवाइड्स अंडर रूट ऑफ वेरियंस ऑफ एक्स वेरियंस ऑफ वाई। कोवेरियंस की वैल्यू लिखनी है, वेरियंस लिखना है, वेरियंस ऑफ वाई लिखना है, तो ये भी आप फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। वेरियंस ऑफ एक्स की बात करें, ये होता है समिशन एक्स स्क्वायर जी ऑफ एक्स माइनस समिशन एक्स जी ऑफ एक्स का होल स्क्वायर आ जाएगा, बहुत सिंपल, या खुद सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट आप बात करें वेरियंस ऑफ वाई की बात करें, वो देगा सम एक्स स्क्वायर एच ऑफ वाई माइनस सम एक्स एच ऑफ वाई का होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, या खुद सोल्व कर सकते हैं, ठीक है, या आप सोल्व कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।